हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ब्लॉग में दोस्तों आज मैं अपने ही लोकल एरिया के बारे में बताऊंगा, जहां पे कुछ खास लोग हैं जो मूर्ति बनाते हैं। तो सरस्वती पूजा के लिए वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हर एक साल करते हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में आपको बताऊँगा, उन लोगों से सुनाऊँगा कि उन लोगों का कैसा अभी चल रहा है। तो मिलते हैं उन लोगों के साथ, ठीक है? आप वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पे जो भी लोग कारीगर लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि उनसे आप लोगों को बात कराया जाए। देख सकते हैं मूर्ति के कलाकारी इतना सुंदर से बनाया गया है, ये अद्भुत नज़ारा है। तो हमारे सामने जो मूर्तिकार हैं, जो आप देख सकते हैं कि मूर्ति के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दिनेश पंडित नाम हुआ। दिनेश पंडित नाम हुआ, कहाँ से आप हैं? हम महागमा से हैं। तो कब से ये मूर्ति के कलाकारी कर रहे हैं आप? ये मेरा 1 दिसंबर से काम चालू है, लेकिन इस जगह पे 1 जनवरी से कर रहे हैं। 1 जनवरी से हमारा ये धंधा जो है पैतृक है, हमारे पूर्वज लोग करते थे और उसी से हम धीरे धीरे इस कला को निखारते गए। तो पिछले और अभी की तुलना में कितना प्रोग्रेस हुआ है? डिमांड प्रोग्रेस नहीं, बहुत माइनस है। हम पिछले 90 पीस बनाते थे, इस बार वही करीब 60 पीस है। इस 60 पीस में भी सेलिंग बहुत नॉर्मल है। हम स्टार्टिंग है मेरा 1000 से है और हार्डली 10000 तक का है मूर्ति, जिसमें कि पिछले के अनुपात अगर किया जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। 30% हम लोगों का सामान में बढ़ोतरी कर दिया है, डीजल तेल महंगा होने की वजह से। बाकी जो पिछले साल जिस रेशियो से मूर्ति बेचे, उस अनुपात में इस बार बहुत ही नॉर्मल चल रहा है। तो इसी में हम लोग का किसी तरह गुजर बसर है। 10000 का? 10000 का मूर्ति बाहर है। अच्छा, 10000 का मूर्ति बाहर में है। मैं जस्ट आप लोग को दिखा दूंगा। और तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, सरस्वती माँ की मूर्ति यहाँ से लेकर के जाएँ और अपने पूजा के कार्यक्रम को सफल बनाएँ। यही मूर्ति 10000 का है दोस्तों, और ये आप लोग आए बेझिझक आराम से और इस मूर्ति को ले, ताकि यहाँ के जो कलाकार लोग जो ये काम कर रहे हैं इस मूर्ति पे, उनको भी मुनाफा हो। और तो गाइस, यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे हमारी मुलाकात हो गई है। अब मैं उनसे पूछता हूँ यहाँ के बारे में। क्या नाम हो गया आपका? हंसराज कुमार। कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम मतलब 1970 से मेरे घर में कर रहा है मेरे दादाजी, उसके दादाजी, मेरे पापा के बाद हम लोग कर रहे हैं। ये पैतृक काम है? पैतृक काम, हम लोग पैतृक काम। तो मूर्ति किस रेंज का है? यहाँ मिनिमम 1000 रुपया, मैक्सिमम 8000 के आसपास है। 8000 रुपये मैक्सिमम। बड़ी सब जो मूर्ति 8000 है, छोटी सब मूर्ति जो है 1500-2000 के भी रेंज में। अच्छा, जो लोग इसमें आना चाहते हैं, कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहिए? तो आ सकता है, आपको सबको स्वागत है उसका, आना आए सीखे बनाए, शिक्षा आए तो थोड़ी है कुछ। बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों, क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात है कि आप मिट्टी, हमारे समझ जो मिट्टी होता है वो मिट्टी को हम लोग कोई समझते नहीं, बस मिट्टी को हम लोग मिट्टी समझ देते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिट्टी को इन्होंने इतने अच्छी तरह से रौंदा गया है और मिट्टी को रौंदते हुए इन्होंने
मूर्ति बना दिया जो एक पूजनीय लायक है। तो ये काफ़ी अच्छा कलाकारी है दोस्तों। आप जो भी इच्छुक लोग हैं यहाँ पे आकर के मूर्ति ले सकते हैं। जानना चाहूँगा कि पहले और अभी के मुकाबले क्या नुकसान या प्रॉफिट हो रहा है? मतलब देखिए, नुकसान तो दो साल से ज़्यादा हो रहा है कि मतलब 21 और 22 में, 21 में तो उससे ज़्यादा 22 में नुकसान हो रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ की सरकार जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के बाद स्कूल कोचिंग कॉलेज सारा बंद, मैक्सिमम तो सरस्वती पूजा स्कूल कॉलेज कोचिंग में होता है। और मैं जितनी मूर्तियाँ मेरी बिकी है अभी तक एक भी मूर्ति स्कूल में नहीं गया, ना कोचिंग में गया ना कॉलेज में गया। इस बार तो घाटा, मतलब मान लीजिए बहुत ही घाटा है। अच्छा, ये बुकिंग स्टार्ट है क्या? हाँ, बुकिंग स्टार्ट है। बुकिंग मतलब हाँ, आधा आधा मूर्ति बिका है अभी, आधा मूर्ति अभी 50 मूर्ति है, 25-30 मूर्ति बुकिंग हुआ है, उस पर से 20-30-25 मूर्ति अभी भी खाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं अपने आसपास के लोग चीज़ों से आपसे रूबरू कराते रहूँगा, ठीक है।